जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 11th लेक्चर है और वीक नंबर 11 है। कोर्स हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है और जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे वो है थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। इससे पहले प्रीवियस वीक में हमने कंट्रोल रेक्टिफायर स्टडीआउट की थी, लेकिन वो हमारे पास थी अनकंट्रोल रेक्टिफायर थी। वो भी हमारे पास थ्री फेज रेक्टिफायर थी लेकिन वो अनकंट्रोल्ड थे। और अनकंट्रोल में हमारे पास क्या होते हैं, एक्चुअली डायोड इस्तेमाल होते हैं। सो कंट्रोल रेक्टिफायर इसमें से आज हम कवर करते हैं। सो थ्री फेज एक्चुअली हमारे पास एक सिंगल फेज रेक्टिफायर्स होते हैं, एक हमारे पास थ्री फेज रेक्टिफायर्स होते हैं। सिंगल फेज हमारे पास वो रेक्टिफायर्स है जो हमारे पास सिंगल वोल्टेज पर ऑपरेट करते हैं, जबकि थ्री फेज हमारे पास वो है जो थ्री डिफरेंट वोल्टेज पर जो है वो ऑपरेट होते हैं। उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम रहती है, जो डिफरेंस हमारे पास आता है वो हमारे पास जो एंगल होती है उस पर उसकी वजह से हमारे पास आ जाती है। सो थ्री फेज सप्लाई हम एक्चुअली इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे हमें जो आउटपुट मिलती है वो हमारे पास हाई डीसी आउटपुट मिलती है, और उसमें हमारे पास जो रिपल्स होते हैं वो हमारे पास कम हो जाते हैं और ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट जो टू द डीसी होती है वो आउटपुट हमें मिल जाती है। सो हायर हायर डीसी आउटपुट पावर हमें मिल जाती है, रिपल फ्रिक्वेंसी उसमें से ज़्यादा होती है, और जो फिल्टरिंग है वो हमारे पास कम रिक्वायर्ड होती है बिकॉज जो आउटपुट होती है वो ऑलमोस्ट हमारे पास स्मूथ होती है। सो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम थ्री फेज सप्लाई को करते हैं और द सिंगल फेज सप्लाई। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि बहुत अवकात हमारे पास जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे लोड्स होते हैं जो एक्चुअली हमारे पास थ्री फेज लोड्स होते हैं। तो उन लोड्स को ऑपरेट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मोटर्स वगैरह हो गए, तो उनको ऑपरेट करने के लिए या इंडस्ट्री साइड पर हमारे पास डीसी मोटर्स या डीसी मोटर ड्राइव्स हो गए, तो उनको ऑपरेट करने के लिए हम नॉर्मली थ्री फेज पर सप्लाईज इस्तेमाल करते हैं। और थ्री फेज हमारे पास जो कन्वर्टर्स होते हैं हम इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर है, तो उसको हम एक दूसरी थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है जिसके बेस पे हम ये कर सकते हैं। अब थ्री फेज कन्वर्टर में हमारे पास दो तीन टाइप्स को हम सेलेक्ट करते हैं। एक तो हमारे पास हाफ वेव होती है और एक हमारे पास फुल वेव होती है। हाफ वेव में हमारे पास फिर तीन किस्म के सर्किट्स आते हैं। एक हमारे पास होती है विद रेजिस्टिव लोड, दूसरा हमारे पास होता है विद इंडक्टिव लोड, और तीसरा हमारे पास होता है रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड विद कम्यूटेटिंग डायोड। तो ये तीन किस्म के सर्किट जो है वो हम इसमें से स्टडी आउट करेंगे। ये हमारे पास नॉर्मल सर्किट होती है थ्री फेज हाफ कंट्रोल हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास तीन वोल्टेज है, तीन फेज की वोल्टेज हमारे पास आ रही है, और इसमें हमारे पास तीन थायरिस्टर हर एक फेज के साथ सिंगल सिंगल थायरिस्टर कनेक्टेड है, और इन तीनों जो फिर कनेक्टेड है एक लोड के साथ जो जिसको हम आउटपुट शो कर रहे हैं। तो ये तीनों फेजेस हमारे पास तब ऑपरेट करते हैं, ये तीनों थायरिस्टर तब हमारे पास ऑन होंगे जब भी इनको वोल्टेजेस मिलेंगे, और ये तब ऑन होंगे जब इनको हम गेट पर फायर पल्स दे सकते हैं। सो इट मीन कि हम अपने आउटपुट को चेंज कर सकते हैं थायरिस्टर के फायरिंग पल से, मीन्स कि हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक पल्स लोकेशन को चेंज करते जाएंगे और उसके मुताबिक हमारे पास जो आउटपुट है वो भी हमारे पास चेंज होता जाएगा। सो नॉर्मली इन द हाफ वेव रेक्टिफायर हमारे पास तीन थायरिस्टर होते हैं और ये हमारे पास कनेक्टेड होते हैं हर एक फेज के साथ, सिंगल सिंगल थायरिस्टर हमारे पास कनेक्टेड होती है। अब होता क्या है, हमारे पास जब यहाँ से हमारे पास एसी वोल्टेज आती है, जो एसी वोल्टेज हमारे पास आ रही है तो उसका जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, लेकिन ये थायरिस्टर तब कंडक्ट करेगा जब इसको जब इसके गेट पर जो है वो फायरिंग पल्स वो मिलेगा। इस तरह ये वाला थायरिस्टर कंडक्ट करेगा जब इसका पॉजिटिव साइकिल आएगा, लेकिन वो तब कंडक्ट करेगा जब इसका फायरिंग पल्स इसको मिलेगा। और जो तीसरा है हमारे पास, तो वो थर्ड थायरिस्टर तब कंडक्ट करेगा जब थर्ड थायरिस्टर को पॉजिटिव साइकिल मिलेगा और गेट पल्स जो है वो मिलेगा। तो ये तीनों हमारे पास तब कंडक्ट करेंगे। सो तीनों थायरिस्टर की कंडक्शन के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है कि तीनों थायरिस्टर तब कंडक्ट करेंगे जब उनको गेट पर पल्स मिलेगा,
और दूसरा हमारे पास टायर से तब कंडक्ट करेगा जब पॉजिटिव साइकिल आएगा। तो जब ये दोनों कंडीशन मीट करेंगे तो तब जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास थायरेस्टर ऑन हो जाएगा और हमारे पास जो लोड है एट द आउटपुट साइड वो हमारे पास अपेयर हो जाएगी। तो अगर हम इसको देख ले तो ये हमारे पास थ्री फेज वोल्टेज की वेक्टर डायग्राम होती है, तीनों वोल्टेज के मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम रहती है, लेकिन जो तीनों वोल्टेजेस होते हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होते हैं। इन तीनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है वो हमारे पास 120 डिग्री होता है। इसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट होती है वो हमारे पास डिफरेंट आ जाती है। अगर फेज डिफरेंस ना होता तो फिर इसमें हमारे पास एक सिंगल आउटपुट आ जाती थी, बिकॉज तीनों वेवफॉर्म जो होते थे वो एक ही साइड पर हमारे पास स्टार्ट हो जाते थे। सो इसमें हमारे पास दो किस्म के वोल्टेजेस होते हैं, एक को हम लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज कहते हैं और दूसरे को फेज टू फेज वोल्टेज जिसको हम कहते हैं। तो एंड बेस्ड ऑन दीज वोल्टेज हमारे पास फिर आउटपुट वेवफॉर्म आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज होती है वो हमारे पास वी मैक्स साइन ओमेगा टी के बराबर होती है। वी एम हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज को शो कर रही है, जिस जो हमारे पास 220 वोल्ट्स भी हो सकती है, 230 वोल्ट्स भी हमारे पास हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो पहला वोल्टेज होगा वो हमारे पास -120, हमारे पास पहला वोल्टेज हमारे पास साइन ओमेगा टी के बराबर होगा, दूसरा वोल्टेज हमारे पास -120 डिग्री के बराबर होगा और जो तीसरा वोल्टेज है वो हमारे पास ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री या प्लस 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इट मीन हमारे पास तीन किस्म के वेवफॉर्म हमारे पास अपेयर हो जाएंगे। अब ये हमारे पास तीन किस्म के वेवफॉर्म है, एक हमारे पास वोल्टेज VAN वोल्टेज है जो हमारे पास एक फेज का वोल्टेज है जो हमारे पास जीरो से स्टार्ट होता है, दूसरा हमारे पास BN वोल्टेज है जो हमारे पास -120 डिग्री या 240 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है, और थर्ड हमारे पास जो VCN है वो हमारे पास 120 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है। सो ये तीन वेवफॉर्म है हमारे पास और तीनों वोल्टेज है तीनों फेजेस के। अब बेस्ट अगर हम इसको देख ले तो हमारे पास आउटपुट अगर थायरिस्टर को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर इस पॉइंट को अगर हम ले लें तो इस पॉइंट पर अगर हम ले तो यहाँ पर हमारे पास जो पीक वोल्टेज है वो हमारे पास VAN की हमारे पास आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर देख ले तो VAN वोल्टेज हमारे पास कनेक्टेड है किस चीज़ के साथ, वो थायरिस्टर नंबर T1 के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमारे पास जो थायरिस्टर नंबर T1 है वो हमारे पास कंडक्ट कर लेगा, और कहाँ तक कंडक्ट करेगा वो हमारे पास इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कंडक्ट करेगा, बिकॉज ये तमाम पॉजिटिव साइकिल हमारे पास है। यहाँ पर पहुँच के हमारे पास जो वोल्टेज VAN है वो नेगेटिव टूवर्ड द नेगेटिव जाती है, लेकिन जो हमारे पास VBN वोल्टेज है वो हमारे पास इंक्रीजिंग होती है। जब वो हमारे पास इंक्रीजिंग है तो इतनी कि इसका पॉजिटिव जो है वो हमारे पास काउंट हो जाएगा और हमारे पास जो T2 वोल्ट थायरिस्टर है वो हमारे पास कंडक्ट करेगा। सेम हमारे पास फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए हमारे पास T3 कंडक्ट करेगा। तो जब भी हाई पॉजिटिव पीक आएगी, जब मैक्सिमम पीक आएगी तो उस वक्त थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, और वो थायरिस्टर कंडक्ट करेगा जिसको हाई पॉजिटिव पीक मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल एक थायरिस्टर हमारे पास दो, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो किस्म की पीक आ रहे हैं इस पॉइंट पर, ये वोल्टेज भी पॉजिटिव है लेकिन और ये वोल्टेज भी पॉजिटिव है, लेकिन कंडक्ट ये इस पर थायरिस्टर हमारे पास कंडक्ट नहीं करेगा बल्कि ये वाला पर कंडक्ट करेगा और इसका आउटपुट हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमारे पास काउंट हो जाएगा। सो अगर हमारे पास इसमें से हम फायरिंग डिले चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हमारे पास अल्फा से स्टार्ट हो जाए तो हमारे पास जो आउटपुट है वो फिर हमारे पास इस तरह से चेंज हो जाता है। तो आउटपुट हमारे पास डिपेंड करता है हमारे पास फायरिंग एंगल पर, फायरिंग एंगल के चेंज करने से हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो हमारे पास चेंज होता जाएगा। अच्छा सो इसको अगर हम देख लें तो जब भी हमारे पास थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो उसकी करंट हमारे पास फ्लो करेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट करंट फ्लो कर रही है इन द फर्स्ट फेज IA करंट, फिर IB करंट, IC करंट, तो ये करंट हमारे पास फ्लो करेंगे फॉर ईच फेजेस। अगर हम इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहते हैं कि हमारे पास एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या आती है जब भी हमारे पास लोड करंट जो है वो इंडक्टिव लोड हमारे पास कनेक्टेड हो, तो इसके हमारे पास थायरिस्टर नंबर T1 जो है वो तब कंडक्ट करेगा जब ये वाला पॉइंट इस टाइम पर इसको फायरिंग पल्स मिलेगा, T2 तब कंडक्ट करेगा जब इसको इस टाइम पर फायरिंग पल्स मिलेगा, और T3 तब कंडक्ट करेगा जब हमारे पास इस टाइम पर इसको फायरिंग पल्स जो है वो मिल जाएगा।
तो हमारे पास जो मैक्सिमम एवरेज वोल्टेज है जिसको हम VDC भी कहते हैं, वी एवरेज भी जिसको हम कहते हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगी 3√3V मैक्सिमम डिवाइड बाय 2π। ये हमारे पास इस फॉर द इंडक्टिव लोड थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, ये इसकी हमारे पास क्या है, इसकी हमारे पास एवरेज वोल्टेज वैल्यू हमारे पास ये वाली आती है। अच्छा, फिर हमारे पास RMS वोल्टेज है, सो RMS वोल्टेज हमारे पास फॉर दिस रेक्टिफायर वो हमारे पास आती है √3V मैक्सिमम इनटू 1/6 प्लस √3 डिवाइड बाय 8π cos 2π अंडर द रूट। ये हमारे पास RMS वैल्यू ऑफ द थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर विद इंडक्टिव लोड, ये हमारे पास ये वाली आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फिर थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, लेकिन अब हमारे पास RL लोड कनेक्टेड है, वही सर्किट है, लेकिन हम फायरिंग पल्स को चेंज कर दे रहे थे। उसमें हमारे पास जो फायरिंग पल्स थी वो हमारे पास 80 एंगल थी, लेकिन अगर हम फायरिंग पल्स को चेंज करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है वो भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो अगर हम इसको फायरिंग पल्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो हमारे पास कुछ इस किस्म का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम फायरिंग पल्स को चेंज करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है आप यहाँ पर देख रहे हैं अल्फा 30 डिग्री, इट मीन कि थायरिस्टर T1 T2 T3 ये तीनों जो है हमारे पास इन तीनों को 30 डिग्री पर फायरिंग पल्स मिलती है, और अगर इट मीन कि थायरिस्टर नंबर T1 को एट एंगल 30 डिग्री फायरिंग पल्स मिलती है, थायरिस्टर नंबर T2 को 150 डिग्री पर मिलती है, और थायरिस्टर नंबर T3 को हमारे पास 270 डिग्री पर फायरिंग पल्स मिलती है। सो अब क्या करना होगा, अब हमारे पास अगर हम फायरिंग पल्स को चेंज करते हैं, अगर हम फायरिंग पल्स को चेंज करते हैं उसकी लोकेशन को 60 डिग्री पर लाते हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट थायरिस्टर है वो 60 डिग्री पर कंडक्ट करेगा, जो सेकंड थायरिस्टर है वो हमारे पास 180 डिग्री पर कंडक्ट करेगा, और जो तीसरा थायरिस्टर है वो हमारे पास 300 पर कंडक्ट करेगा। तो उसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो कुछ इस तरह से हमारे पास अपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये अल्फा, ये हमारे पास फायरिंग पल्स शो कर रही है। अब इन तीनों वेवफॉर्म में देख ले, हमारे पास यहाँ पर तो हमारे पास नेगेटिव वेवफॉर्म नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ द फायरिंग पल्स, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वेवफॉर्म आ रही है। ये नेगेटिव वेवफॉर्म हमारे पास क्यों आ रही है, ये हमारे पास इसलिए आ रही है कि हम यहाँ पर जो लोड है वो हमारे पास इंडक्टिव है, सो ड्यू टू द इंडक्टर हमारे पास क्या हो जाती है, नेगेटिव वोल्टेज हमारे पास थोड़ी सी अपेयर हो जाती है ऑन द लोड साइड, और उसकी वैल्यू हमारे पास डिपेंड करती है इंडक्टर की वैल्यू पर। हमारे पास जो नेगेटिव वेवफॉर्म है इट मीन ये कंप्लीट साइकिल के लिए भी हो सकती है अगर हमारे पास इंडक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये हमारे पास कम भी हो सकती है अगर हमारे पास इंडक्टर की वैल्यू कम हो। बाज एप्लीकेशन में हमारे पास जो नेगेटिव वेवफॉर्म है वो हमारे पास रिक्वायर्ड होती है, और बाद जगह पर हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसको हम फिर क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। इसको रिमूव करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करने के लिए हम कमोटेटिंग डायोड लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास नेगेटिव डायोड या फ्री व्हीलिंग डायोड हम लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो नेगेटिव वेवफॉर्म है वो फिर ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब फिर हमारे पास है थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड, विद इंडक्टिव लोड एंड विद फ्री व्हीलिंग डायोड। तो अब चेक करते हैं कि हमारे पास तीसरा सर्किट है कि हमारे पास फ्री व्हीलिंग डायोड का हमारे पास क्या इफेक्ट आता है। हमारे पास नेगेटिव वेवफॉर्म आती है, उस नेगेटिव वेवफॉर्म के बाद फ्री व्हीलिंग डायोड का हमारे पास क्या इफेक्ट आता है। तो इसमें से अगर देख लें तो ये हमारे पास रेजिस्टिव लोड लगा है, इसमें हमारे पास तीन थायरिस्टर कनेक्टेड है, ये एक फेज के साथ, दूसरे फेज के साथ, तीसरे फेज के साथ कनेक्टेड होगा, और ये हमारे पास लोड है तो हमारे पास ये कंडक्ट करेगा। जब भी ये थायरिस्टर हमारे पास ऑन हो जाएंगे और आउटपुट वेवफॉर्म हमारे पास अपेयर हो जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास लोड इंडक्टिव हो जाए, रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड हो जाए, तो ये तीनों थायरिस्टर कनेक्टेड है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो हमारे पास उसमें से थोड़ी सी नेगेटिव वेवफॉर्म आ जाती है। उस नेगेटिव वेवफॉर्म को रिमूव करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, ये कमोटेटिंग या फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास जो नेगेटिव वेवफॉर्म है वो हमारे पास ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब इसका इफेक्ट चेक करते हैं कि हमारे पास अगर हम उस प्रीवियस वेवफॉर्म्स को उठा लें और उसमें से हम फ्री व्हीलिंग डायोड को लगा लें और चेक कर लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट फायरिंग एंगल्स पर
हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास किस तरह आती है। सो इस तरह देखिए, अगर हमारे पास फायरिंग एंगल जीरो पर हो तो हमारे पास इस किस्म के वेवफॉर्म्स हमारे पास आएंगे, जो रेड लाइन शो कर रही है ये हमारे पास आउटपुट पर अपीयर हो जाएंगे। अगर हमारे पास फायरिंग पल्स हम अल्फा 15 डिग्री पर प्रोवाइड करें तो हमारे पास इस किस्म का आउटपुट वेवफॉर्म जो रेड लाइन शो कर रहा है ये हमारे पास अपीयर हो जाएगा एट द लोड साइड। फिर इस तरह एट 30 डिग्री हमारे पास इस किस्म का आउटपुट वेवफॉर्म अपीयर हो जाएगा, और 460 डिग्री, अब यहाँ पर 60 डिग्री में देख ली, इस 60 डिग्री में देख ली तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वेवफॉर्म हमारे पास आ रही थी, और इस पिक्चर में अगर आप देख लें तो हमारे पास जो 60 डिग्री है इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास नेगेटिव वेवफॉर्म नहीं आ रही, बिकॉज अब हमने फ्री व्हीलिंग डाइपोल लगा लिया है जिसकी वजह से हमारे पास जो नेगेटिव वेवफॉर्म है वो ख़त्म हो जाती है और हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो हमारे पास जस्ट पॉजिटिव अपीयर हो जाती है। सो दिस इज ऑल ड्यू टू द फ्री व्हीलिंग डाइपोल। अच्छा, अब इसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहते हैं जिसमें हमारे पास इंडक्टिव लोड कनेक्टेड हो विद फ्री व्हीलिंग डाइपोल, तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन हमारे पास आती है वो हमारे पास कुछ इस तरह आती है। हमारे पास जो फर्स्ट थायरिस्टर है वो उसको जो वोल्टेज मिलेगा वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी मिलेगा, सेकंड को हमारे पास अब इसमें से अल्फा प्रोड्यूस हो जाएगा, अल्फा हमारे पास फायरिंग पल्स को शो करेगी कि किस टाइम पर इसको हम फायरिंग पल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो एक वेवफॉर्म जो है वो हमारे पास 120 डिग्री पर आ जाएगी और दूसरा वेवफॉर्म हमारे पास -120 डिग्री या -240 डिग्री पर हमारे पास आ जाएगी। तो इस किस्म के वेवफॉर्म हमारे पास अपेयर हो जाएंगे। अब हम अगर इसके लिए एवरेज वोल्टेज डीसी वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू हम फॉर एग्जांपल फायरिंग पल्स इक्वल टू 30 डिग्री, अगर हम 30 डिग्री पर फायरिंग पल्स प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, तो हमारे पास उसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारे पास आएगी VDC=2 3V max/2π 1+cos α+30°। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास फॉर इंडक्टिव लोड थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर की जो एवरेज वैल्यू है वो हमारे पास इस तरह कैलकुलेट हो जाती है। तो इसमें हमारे पास अल्फा अननोन है, अल्फा की वैल्यू चेंज करने से हमारे पास इसकी जो डिफरेंट एवरेज वोल्टेज है वो हमारे पास फिर कैलकुलेट हो जाती है। तो नॉर्मली हम इनको काम पर इस्तेमाल करते हैं, इनको नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं इन द इंडस्ट्रीज जहाँ पर हमारे पास लोड रिक्वायरमेंट होती है, और पावर फिर इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, जो डीसी पावर होती है उसकी रिक्वायरमेंट को हम मीट करते हैं। अब ये हमारे पास थे हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर थे। अब इसमें हमारे पास होती है ब्रिज कंट्रोल रेक्टिफायर जिसको हम फुल वेव ब्रिज कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं, उसमें हमारे पास होती है हाफ कंट्रोल भी होती है जिसको हम सेमी कन्वर्टर भी कहते हैं, और फिर हमारे पास क्या होती है फुली कन्वर्टर भी होती है जिसमें हमारे पास तमाम थायरिस्टर लगे होते हैं। तो ये हमारे पास देखिए थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर है, थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर और सेमी कंट्रोल है या हाफ कंट्रोल है, इसमें इनपुट थ्री फेजेस है और हर एक फेज के साथ एक थायरिस्टर और एक डायोड कनेक्टेड है, हर एक फेज के साथ थायरिस्टर और डायोड कनेक्टेड है। अब इसमें हमारे पास तीन सर्किट्स बन सकते हैं, एक विद रेजिस्टिव लोड, एक विद इंडक्टिव लोड, एक विद इंडक्टिव लोड एंड कम्यूटेटिंग डायोड। तो तीनों के वेवफॉर्म एक दूसरे से हमारे पास डिफरेंट होंगे। अब इस सर्किट में हमारे पास क्या है, इंडक्टिव लोड है और फ्री व्हीलिंग डायोड हमारे पास कनेक्टेड है और सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर है। तो हमारे पास इसमें से अगर देख लें तो हमारे पास ये इनपुट वेवफॉर्म्स हमारे पास हो गए, वी ए वोल्टेज, वी बी वोल्टेज, वी सी वोल्टेज, ये हमारे पास वो हो गए, और ये हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म इस तरह आएगा अगर फायरिंग पल्स हमने प्रोवाइड कर लिया है 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री पर अगर फायरिंग पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो कम्यूटेटिंग डायोड लगा है जिसकी वजह से नेगेटिव वेवफॉर्म नहीं आएगा और जस्ट पॉजिटिव वेवफॉर्म हमारे पास अपीयर हो जाएंगे। तो इस किस्म के वेवफॉर्म्स हमारे पास आ जाएंगे, ये हमारे पास थायरिस्टर T1 और D1 जब ये दोनों कंडक्ट कर रहे होंगे तो ये वेवफॉर्म आएगा, जब दूसरा साइकिल पॉजिटिव आएगा तो उस वक्त T2 और D2 कंडक्ट करेगा, और तीसरे साइकिल में हमारे पास T3 और D3 कंडक्ट करेगा। तो ये उनके वेवफॉर्म्स हमारे पास हो गए। थ्री फेज रेक्टिफायर में हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, मीन्स कि 3 times द इनपुट फ्रिक्वेंसी हो जाती है, और जो डिले एंगल है उसको हम वेरी कर सकते हैं, कहाँ से 0 से लेके 180 डिग्री तक हम फायरिंग एंगल को
जो है वो वेरी कर सकती है। तो बेस्ड ऑन फायरिंग एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो एवरेज वेव है, वो हमारे पास चेंज होती जाएगी। अच्छा, और अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फायरिंग एंगल कम है तो इट मीन कि हमें फिर फ्री व्हीलिंग डायोड की जरूरत भी नहीं है। फ्री व्हीलिंग डायोड की जरूरत तब आएगी जब हमारे पास आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव को क्रॉस करेगी। तो जिस टाइम पर वो नेगेटिव क्रॉस करेगी उस टाइम से हमारे पास फिर फ्री व्हीलिंग डायोड की हमारे पास जरूरत पड़ती है। ये तमाम इक्वेशन है कि किस इक्वेशन या किस कंडीशन पर हमारे पास फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो कंडक्ट करेगा। अच्छा, ये हमारे पास वोल्टेजेस है वही प्रीवियस वाले है कि एक हमारे पास Vm sin ओमेगा t के बराबर है, दूसरा हमारे पास -120 degree की, और तीसरा हमारे पास जो है +120 degree की या -240 degree के बराबर होगा। ये हमारे पास फेजेस वोल्टेज हो गए, सॉरी फेज टू फेज वोल्टेज हो गए, तो उसकी हमारे पास इक्वेशन आ गए। अच्छा, अगर हम वे फॉर्म ड्रा करना चाहते हैं फॉर द, अगर हमारे पास फायरिंग पल्स जो है उसकी लोकेशन हमारे पास लेस देन 60 डिग्री है, मींस कि हमारे पास जो फायरिंग एंगल है वो 60 डिग्री से लेस है, तो इस किस्म का आउटपुट वेवफॉर्म हमारे पास अपेयर होगा। फॉर ग्रेटर देन हमारे पास ये वाला वेवफॉर्म अपेयर हो रहा था, ये वाला वेवफॉर्म, और फॉर लेस देन हमारे पास इस किस्म का वेवफॉर्म हमारे पास अपेयर होगा। ये हमारे पास वो कंडीशन है जिस कंडीशन में थायरिस्टर T1 और डायोड D1 कंडक्ट करेगा। सो ये हमारे पास जिस टाइम पर वो कंडक्ट करेंगे उस वक्त इसके आउटपुट वेवफॉर्म आएंगे, जिस टाइम वो कंडक्ट नहीं करेंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, उस वक्त जीरो करंट फ्लो करेंगे बिकॉज वो हमारे पास रिवर्स बायस होते हैं। इसके लिए अगर हम एवरेज वोल्टेज की एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहते हैं तो हमारे पास इसकी जो एवरेज वैल्यू की एक्सप्रेशन है वो हमारे पास आती है VDC = 3Vm/2π1 cos α। ये हमारे पास है थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर सेमी कंट्रोल्ड विद इंडक्टिव लोड के लिए हमारे पास ये वाली एवरेज वैल्यू की ये वाली हमारे पास इक्वेशन आती है। अगर हमारे पास अल्फा जीरो हो तो अगर इसमें से हम कॉस जीरो पुट कर ले तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos 0 = 1, सो 1+1 2 हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास 3√3Vm/5 ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। इसकी RMS वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहते तो हमारे पास इसकी RMS वैल्यू ये आती है √3Vm = 3/4 × π - α + sin 2α/2√। ये हमारे पास RMS वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। अच्छा, अगर हमारे पास फायरिंग पल्स π/3 से भी कम हो, मीन्स कि 180 degree से भी कम हो जाए, दिस इक्वेशन वॉज फॉर द पाई से, अगर हमारे पास 60 degree से ज़्यादा हो तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आएगी एवरेज वैल्यू की और RMS वैल्यू की, और अगर 60 degree से कम हो तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू की इक्वेशन है वो हमारे पास ये वाली आ जाएगी। सो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास सेम होंगे, RMS वाली और ये दोनों हमारे पास सेम हो जाएंगे। तो सेम इक्वेशन हमारे पास आते हैं, फिर उन इक्वेशन में से हम अल्फा की वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है फुल कन्वर्टर जिसमें हमारे पास हर एक फेज के साथ दो थायरिस्टर कनेक्टेड है। ये हमारे पास फुल वेव ब्रिज कन्वर्टर है जिसमें दोनों जिसमें से 6 थायरिस्टर्स कनेक्टेड है, हर एक फेज के साथ दो दो थायरिस्टर कनेक्टेड है। सो जब हमारे पास T1 और T2 कंडक्ट करेगा, इस तरह T3 T6 कंडक्ट करेगा, हर एक फेज में से दो थायरिस्टर ऑन होंगे तो तब जाके वो हमारे पास कंडक्ट करेगा। और इसके लिए इसका जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, ये वाला आउटपुट वेवफॉर्म हमारे पास अपेयर होगा इस थायरिस्टर के लिए, फॉर दिस फुली कंट्रोल्ड थायरिस्टर के लिए। और ये हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास करंट जो है वो फ्लो करेंगे। अच्छा, इसके लिए अगर हम एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो हमारे पास आती है ये वाली VDC = 3√3Vmax/π × cos α। तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ ये वाली इस वेवफॉर्म की हमारे पास एवरेज वैल्यू ये वाली कैलकुलेट हो जाती है।
और अगर अल्फा हमारे पास 0 डिग्री हो तो इसमें से हमारे पास जो डीसीवे जो है वो हमारे पास 3vm डिवाइड बाय पाई, ये हमारे पास अगर इस पर हम cos अल्फा को 0 पुट करें तो cos 0 हमारे पास 1 के बराबर है, हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है और ये हमारे पास आउटपुट इक्वेशन थे। तो इस आज की क्लास में से हमने जो है थ्री फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर्स पढ़ लिए और थ्री फेज फुल वेव ब्रिज कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ लिए। थ्री फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर में से हमने हाफ कंट्रोल में से हमने विद रेजिस्टिव लोड विद इंडक्टिव लोड विद कम्यूटेटिंग डायोड पढ़ लिया और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में से हमने सेमी कंट्रोल पढ़ लिया विद रेजिस्टिव इंडक्टिव एंड कम्यूटेटिंग डायोड और फिर इसके साथ हमने फिर फुल वेव फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पढ़ लिया विद रेजिस्टिव इंडक्टिव एंड विद कम्यूटेटिंग डायोड। तो ये हमारे पास 6 सर्किट्स जो थे वो आज की क्लास में से हमने स्टडी आउट कर लिए। इन द नेक्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह फिर चॉपर्स को स्टार्ट करेंगे या कन्वर्टर्स को स्टार्ट करेंगे, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, और उसके बाद फिर साइक्लो कन्वर्टर्स रहते हैं और फिर इन्वर्टर्स रहते हैं। सो रेक्टिफायर में हमारे पास और भी बहुत से क्लासेज है, 6 फेज हो गए, 9 फेज हो गए, 12 फेजेस हो गए, तो वो एक बहुत लेंथी फिर हो जाएगा, हमारा जो और कोर्स है वो हमसे पैर रह जाएगा। तो रेक्टिफायर को हम यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं और बाकी चीज़ें जो है वो फिर बाकी टॉपिक जो है वो हम कवर करेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर चॉपर्स को स्टार्ट करते हैं।